हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल राठौर और हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के 11th क्लास के स्नैपशॉट के लेसन सेकंड की, जिसका नाम है द एड्रेस। देखिए, द एड्रेस को लिखा है मार्गा मेनको ने और ये ऑटोबायोग्राफी का ही एक हिस्सा है कि उनके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति थी जब उन्होंने इस लेसन को लिखना उचित समझा। सुनिएगा क्या ये दृश्य था। तो 1942 की बात है, जब पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था और उस दौरान मार्का मेनको भी अपनी मम्मी पापा भाई बहन के साथ रहती थी एक इलाके में। तो उसे बचपन के दिनों की कुछ चीज़ें याद थी और उसकी मम्मी ने उसे एक एड्रेस का नाम बताया था और उस एड्रेस का नाम था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, यानी कि 46 नंबर के मकान जो कि मार्कोनी स्ट्रीट में है, वहाँ पर उनकी एक चिर परिचित रहती है। और अक्सर उसने बचपन में देखा था कि वो जो चिर परिचित उनकी थी, जो रिलेशन में थी, वो महिला अक्सर उसकी मम्मी के पास आती थी और उनके घर से हर बार कुछ न कुछ सामान लेके जाती थी। सो मार्गा ने भी उनकी मम्मी से काफ़ी बार पूछा कि अक्सर ये सामान क्यों ले जाती। तो उनने कहा कि हमारे यहाँ युद्ध का माहौल है हॉलैंड में और इस युद्ध के माहौल में हम जो है, मुझे नहीं लगता है कि हम ठीक से जी पाएंगे या हम सही बच पाएँ, लेकिन हम में से कोई भी बचेगा तो ये जो जिनको हम ये सामान दे रहे हैं, डॉलिंग को, मिसेज डॉलिंग जिनका नाम था, तो बाद में जो भी बचेगा वो उनके साथ पास संपर्क करेगा और उनसे ले लेगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो मार्गम इनको जो है, ये एक बार की बात है जब पूरा युद्ध समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जब उसकी मम्मी, उसके भाई बहन सब बिछड़ जाते हैं, सिर्फ मार्गा ही बचती हैं। तो मार्गा उसी एड्रेस पर जाती है जहाँ पर वो मिसेस डॉर्लिंग रहती है और जो उसकी मम्मी से सामान लेकर के जाती थी अक्सर, बहुत सारा घर का हर एक सामान ले जा चुकी थी, कहने का तात्पर्य। और कई बार उसकी मम्मी ने उस मार्गा का परिचय भी उस डॉर्लिंग से करवाया था कि ये मेरी बेटी है, कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें मदद करना है। अब मिसेस डॉर्लिंग के पास एक दिन वो जाती, यहाँ से लेसन शुरू होता है। और ये जो स्टोरी थी ये बीच बीच में आपको मैंने पहले ही बता दी और बीच में ये लेसन के अंतर्गत है। सो डॉर्लिंग का दरवाजे की घंटी बजाती है, डॉर्लिंग अंदर से निकल के आती है और उसने वो ही स्वेटर पहन रखा है जो उसकी मम्मी का था। तो वो बोलती कि आप मिसिस डॉर्लिंग हैं और मुझे आपसे मिलना है क्योंकि मेरी मम्मी ने आपका एड्रेस दिया था। तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं जानती। उस मिसिस डॉर्लिंग ने मना कर दिया और कहा कि आप बाद में मिलना, और वहाँ गेट लगा करके छोड़ देती है उसको। अब जो मार्गा है उसे तो बड़ा गुस्सा आता कि यार ये क्या हुआ, मेरी मम्मी ने तो इनकी मदद करी, इन्हें बहुत सारा सामान दिया ताकि मुझे बाद में काम आ सके, लेकिन इन्होंने तो मुझे घर के अंदर भी प्रवेश नहीं करने दिया। अब वो अपने घर जाती है जहाँ वो रहती है, जहाँ उसके मम्मी पापा भाई बहन नहीं हैं, वो गुम हो चुके हैं या मर चुके हैं, ये स्टोरी के अंदर क्लियर नहीं है। अब मार्गा ये सोच रही है कि आखिर अब दूसरी मीटिंग इनसे कैसे की जाए। जब वो जाती है तो ट्रेन में उसे वही मिसिस डॉर्लिंग दिखाई देती है बार बार, है ना, ख्वाब की तरह। तो डॉर्लिंग के बारे में वो जानती है कि डॉर्लिंग का परिचय उसका कैसे उसकी मम्मी ने उनसे करवाया था ये सब, लेकिन डॉर्लिंग एक तरह का भ्रम उनके दिमाग में बैठ गया था कि अब डॉर्लिंग यहाँ पर नहीं है। जब घर पहुँचती है, कुछ दिन बीतते हैं, वो सोचती है कि मुझे मिसिस डॉर्लिंग से दोबारा मिलना है। दूसरी बार उसी एड्रेस पर जाती है, इसका लेसन का नाम भी द एड्रेस इसीलिए रखा गया है। एड्रेस वही है, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 42, सॉरी 46, उसी एड्रेस पर जाती है। फिर दरवाज़ा खटखटाती है तो अब मिसिस डॉर्लिंग घर पर नहीं है, उनकी 15 साल की बेटी है जो उसे अंदर बुलाती है कि आइए। मार्गा को, मार्गा उनके साथ अंदर जाती है उसकी बेटी के साथ, और घर के अंदर एक एक कमरे में वो दिखाती है कि आइए आप बैठिए, मेरी मम्मी आए। तब तक चूँकि उनकी मम्मी कहीं बाहर गई हुई है जिनका नाम मिसिस डॉर्लिंग है, अब वो जो 15 साल की लड़की है वो एक एक चीज़ें दिखाती है, घर में ये वाली चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये वाली चीज़ है ना, सिल्वर की कुछ चम्मचे हैं, जो उसे तुरंत याद आ जाती है कि ये चम्मच तो मेरी मम्मी मुझे खाना खिलाती थी बचपन में, ठीक है, जब मैं छोटी थी। और उसके बाद उसे एक फटा सा पर्दा दिखाई देता है जो एक कोने से जला हुआ है, जो उसके बचपन में ही जला हुआ था, और वो पर्दा वो बिछा हुआ है टेबल के ऊपर। तो उसे बिल्कुल लग जाता है कि यार ये सब सामान तो मेरा ही है और मेरी मम्मी ने जो मिसेज डॉर्लिंग को दिया था, और उनकी बेटी से तो वो नहीं कहती है। लेकिन जब उन सब चीज़ों को देखती है मार्गा तो अचंभित होती है और वो बड़ी भयभीत रहती है, उसे बार बार वो चीज़ों की यादें सताने लगती हैं। सो वापस
वो बोलती है उसकी बेटी कि मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ मार्गा के लिए, तो मार्गा मना कर देती कि आप चाय मत बनाइए, और फिर भी वो चाय बनाने के लिए जाती है। और वो तुरंत जैसे ही वो सारी चीज़ें देखती है तो उसका दिमाग थोड़ा अचंभित हो जाता है, और वो वहाँ से बाहर निकलते हुए कहती कि मेरी ट्रेन का टाइम हो चुका है सो मुझे निकलना पड़ेगा। वो ट्रेन के लिए निकल जाती है। अब रास्ते आते हुए जिस गलियों से गुजरती है तो उसे दिखता है कि हाँ, ये तो वही गलियाँ हैं जहाँ मैं बचपन में आया जाया करती थी और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन युद्ध के बाद वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। अब जब वो घर पहुँचती है तो अब वो डिसाइड कर लेती है कि मुझे अब उस एड्रेस पर दोबारा नहीं जाना है। रीज़न ऑफ दैट या उसके पीछे कारण ये था कि वो उसको वो सारी चीज़ें बार बार सताने लगती हैं। एक्चुअली होता ही है कि इन मेमोरी में, हमारी मेमोरी में पुरानी जो चीज़ें होती है वो आपको उसी भूतकाल में ले जाती है, उस पास्ट में ले जाती है, और उस पास्ट में जाने के बाद उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। सो ये मार्गा के दिमाग में फिट हो गया था कि अब मैं उन पुरानी चीज़ों को नहीं देखूंगी, उन पुरानी चीज़ों को लेकर के नहीं आऊंगी, वरना मेरा जीवन उस पास्ट में चला जाएगा जो मैंने अपने परिवार के साथ, उन सामानों के साथ बिताया था। सो डिसाइड कर लेती कि अब मैं उस एड्रेस पर दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। सो इस लेसन का नाम द एड्रेस रखा गया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे, और थोड़ा कमेंट करके बताएं अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन में ये लेसन सुनना है, समझना है आधे घंटे के लगभग, तो मैं इनका फुल डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा आपको। सो अगर आप सुनना चाहें तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ जो इस बार 11th में, चूँकि नया कोर्स है तो मैं भी थोड़ी सी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, निरंतर मेरे साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको निरंतर अगले वीडियो भी प्राप्त हो सके। सो थैंक यू सो मच।